Class World School. Today we are going to start our remaining lesson. Neha, my sister. In previous class we have read about the Neha, about its writer. Okay. So first of all, when we start our lesson, we see some important point. Okay. First of all. इस करेक्टर्स सबसे पहले हम
हॉस्पिटल से मेरी मदर जो है वो एक सिस्टर लेकर आएगी। यू गेट बेबीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, वो मेरे को ये भी बताती है कि हॉस्पिटल से आपको क्या मिल सकते हैं। आपको बेबीज मिल सकते हैं, छोटे बच्चे मिल सकते हैं, टाइनी बेबीज मिल सकते हैं। सलील एडेड, अब सलील जो मेरा दूसरा फ्रेंड है वो मेरे को बताता है, माई मदर ब्रॉट मी अ बेबी ब्रदर फ्रॉम द हॉस्पिटल। मेरी माँ क्या लेकर आई थी, मेरी माँ जो है वो बेबी ब्रदर लेकर आई थी हॉस्पिटल में। जो मेरा छोटा भाई है वो छोटा भाई कहाँ से लेकर आया था, हॉस्पिटल से लेकर आया। अभी छोटे से बच्चे हैं, है ना, इनके इनको कुछ नहीं पता होता है, इनको जो विजन इनके सामने होता है ये उन्हीं को हकीकत मान लेते हैं। व्हाट विल माँ ब्रिंग मी अ ब्रदर और सिस्टर, अब उसके क्या आगे दिमाग में क्वेश्चन कि मेरी माँ क्या लेकर आएगी, ब्रदर लेकर आएगी या सिस्टर लेकर आएगी। आफ्टर स्कूल वॉज ओवर पापा केम टू पिक मी अप, अब स्कूल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद में पापा मुझे लेने के लिए आते हैं। व्हाट हैज मॉम ब्रॉट फॉर मी, अ ब्रदर और सिस्टर आई आस्क। अब मैंने सीधे पापा से उसमें पूछा कि मैं आज जो है वो क्या लेकर आएगी मेरे लिए, ब्रदर लेकर आएगी या सिस्टर। बहुत ज़्यादा वो क्या है, एक्साइटेड है इस चीज़ के बारे में। माँ हैज ब्रॉट अ सिस्टर फॉर यू, पापा वॉज ग्लैड। अब पापा क्या है, ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होता है, हैप्पी। अब पापा बहुत खुश होकर बोलते हैं कि तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हारे लिए क्या लेके आई है, सिस्टर लेकर आई है। शैल वी गो टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिस्टर, अब वो कहते हैं कि क्या हम हॉस्पिटल में जाके मैं अपनी सिस्टर को देख सकती हूँ, देखूंगी। वी विल गो इन द इवनिंग, आंसर द पापा। पापा ने क्या बोला, हाँ चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे, हम इवनिंग में चलेंगे, शाम को चलेंगे। फॉर लंच पापा मेड फ्राइड राइस विद पीस, अब लंच में पापा ने मेरे लिए क्या बनाया, फ्राइड राइस, किसके साथ बनाया, पीस के साथ, फ्राइड राइस किसके साथ में, विद पीस, मटर के तंग्स। एंड आल्सो है हलवा, देन आई स्लेप्ट, और क्या बनाया साथ में, हलवा बनाया और फिर मैं क्या हो गई, सो गई, थोड़ा रेस्ट किया हमने। इन द इवनिंग आई वोर माय फेवरेट रेड फ्रॉक, पापा अब मैं बहुत खुश थी, ग्लैड थी, तो मैंने अपना क्या किया, जो मेरी फेवरेट रेड फ्रॉक थी वो मैंने पहना, कॉम्ब माय हेयर और अपने जो है बालों को मैंने जो है कंघी की। वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल, और फादर और मैं हम दोनों कहाँ गए, सीधे हॉस्पिटल। माँ वॉज लाइंग ऑन द बेड इन द बिग रूम, अब माँ जो थी एक बड़े से रूम में जो है वो क्या थी, लेटी हुई थी। देयर वॉज अ स्मॉल क्रेडल बिसाइड आवर बेड, और उनका जो बेड था बेड के बगल में क्या था, एक स्मॉल सा क्रेडल। क्रेडल क्या होता है, पालना, जिसमें बच्चों को सुलाते हैं। इन द क्रेडल वॉज माई स्वीट लिटिल सिस्टर, अब उस क्रेडल के अंदर क्या था, मेरी स्वीट लिटिल सिस्टर सो रही थी। शी हैड अ स्मॉल पिंक फेस, आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे होते हैं कैसे कलर होता है उस फेस का, पिंक टाइप के होते हैं ना, पिंकिश टाइप के होते हैं, तो कहते हैं कि उनका जो फेस था वो कैसा कलर का था, छोटा था और पिंक कलर का था। टाइनी ब्लैक आईज, और उनकी आंखें कैसी थी, टाइनी, टाइनी मींस क्या होता है, वेरी स्मॉल, छोटी छोटी आंखें। एंड वेरी शॉर्ट हेयर, और उसके बाल भी क्या थे, छोटे छोटे। अब उसने पहले वो अपने घर में सबसे छोटी थी प्रीति, अब उससे भी कोई छोटी आ गई तो वो उसको पूरा एनालिसिस करती है कि वो दिखने में कैसी है ना, उसकी आईज कैसी है, उसके हेयर्स कैसे हैं, लाइक दैट। शी क्राइड वेरी लाउडली एंड साउंडेड समथिंग लाइक आउम आउम, अब वो बहुत तेजी से रोती है, ठीक है, उसकी जो सिस्टर होती है, और कैसे साउंड निकाल रही है, लाइक आउम आउम, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को रोते हुए, है ना, तो उसी हिसाब से जो है वो अपनी साउंड निकाल रही है। तो बेटा हम लोग यहीं तक आज रीड करेंगे अपना लेसन, ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम रिमेनिंग लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको मधुबनी जोशी के बारे में बताया था, आपने इसके बारे में दोबारा से लर्न करना है, ठीक है ना, हु इज द राइटर मधुबनी जोशी, इसके बारे में आपको करेक्ट के बारे में बताया था, वो आपने करना है। और यहाँ तक मैंने जो आपको लेसन रीड करवा दिया है, ये आपको